Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Be You Be Curious. And आज मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टेटमेंट इयररिंग्स को आप अपने सारे आउटफिट्स के साथ, इंडियन आउटफिट्स के साथ या वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ कैसे पेयर अप करें. सो ये है मेरा बहुत ही क्यूट सा ज्वेलरी बॉक्स. तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अफगानी ज्वेलरी, चांदबाली ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज पॉम पॉम टैसल इयररिंग्स कैसे और कैसे पेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है आपका ये अफगानी ज्वेलरी. ये होती है अफगानी ज्वेलरी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है. इसको आप किसी भी इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं. ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं उन आउटफिट्स के साथ. और ये बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं. इनमें ये चेन होती है और थोड़ा सा ये झुमकी का जो ये पैटर्न इसमें होता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लगता है. तो आप इसको जीन्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं और आप इसको किसी साड़ी के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं. आप इसको हाई बन बनाने के बाद भी पेयर अप कर सकते हैं. ये जो होती है अफगानी ज्वेलरी, मैं आपको और भी सैम्पल सिखा रही हूँ कि किस तरीके की होती है. एक ही ऐसे आती है, एक ही इस पैटर्न में आती है और अभी थोड़ा इसमें एक न्यू आने लगा है तो इसमें ये मिरर भी आपको मिल जाता है. ये इस टाइप के पैटर्न में अवेलेबल होते हैं. तो ये सब जो है ये अफगानी ज्वेलरी के डिज़ाइन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ. और ये अगर आप दिल्ली से हैं तो ये आपको ईज़िली जनपद में या फिर आपको एसएन में, लाजपत नगर में हार्डली 250 या 150 के अराउंड मिल जाएंगी. तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है तो आप इसके साथ जा सकते हैं. अगेन अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या आपको ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है तो आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ जा सकते हैं. तो ये होती हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. ये कुछ ऐसे दिखती हैं. ये अगेन ये भी बहुत ब्यूटीफुल होती हैं और ये आपके जीन्स के साथ, सूट के साथ बहुत आराम से चली जाती हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल भी होती हैं. देखिए जैसे मेरे पास ये काफ़ी सारी हैं. आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स. जैसे ये है अगेन ये, और ये सेम ही है. और एक ये है, ये भी एक ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग का ही पैटर्न है. और ये वाला देख सकते हैं हम. ये आप अगर आप कोई सूट पहन रहे हैं या आप कोई जीन्स डाल रहे हैं उसके साथ आप ये अगर पहनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देगा. और अगर आपको किसी किसी वेडिंग फंक्शन में जाना है और अगर आपका बहुत ज़्यादा आउटफिट हैवी है तो आप इसको हल्के से ईयरिंग्स को भी डाल सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा. तो ये सारा जो कलेक्शन था ये ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स का था. बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होते. तो आप इसको आराम से अपने ऑफिस में पहन सकते हैं और आप चाहें तो इसको कहीं भी शॉपिंग करने जाएं या कहीं घूमने जाएं तो आप इसको आराम से इजीली पहन सकते हैं. बिल्कुल भी ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं. आगे आ जाएं, अब जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं वो आ रहे हैं आपके टैसल इयररिंग्स. तो ये वाला जो पैटर्न है ये होता है टैसल इयररिंग्स का. ये होते हैं टैसल इयररिंग्स और इसका कुछ जैसे मेरे पास ये ब्लू कलर का है और इसको मैं अपने गाउन के साथ पेयर करती हूँ. गाउन भी मेरा ब्लू कलर का है और ये जो मेरा इयररिंग है ये ब्लू कलर का है. तो मैं इसको पहनती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देते हैं ये. और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होते. मैं फिर से आपको बता दूँ, बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं ये और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं. इसका सेकेंड जो मेरे पास है वो ये है येलो कलर में. ये आपको किसी के हल्दी फंक्शन में आप जा रहे हैं तो आप भी पहन सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. और इसमें एक और पैटर्न आता है. और ये है इसका, ये मेटल में आता है. ये भी अगेन एक ऑक्सीडाइज होता है लेकिन ये होता है टैसल इयररिंग्स ही है. और तो टैसल ये थ्रेड वाले भी आते हैं और ये मेटल वाला भी आता है. ये मेटल वाला भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. आपके ये सारे वेस्टर्न ड्रेसेस पे आराम से जाता है और अगर आप कोई ड्रेसेस पहनना आपको पसंद है तो ये ड्रेसेस के साथ भी बहुत आराम से चला जाता है. और ये भी बिल्कुल लाइट वेटेड है बहुत और ब्यूटीफुल लुक देता है एकदम से ही. अगर आप कोई नेकलेस या कुछ नहीं पहनना है तो आप सिर्फ इसको पहन सकते हैं और ये अगेन आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक देगा. तो ये थे टैसल इयररिंग्स. तो इस तरीके से ये आपको मार्केट में अवेलेबल हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे. तो आप ये जाके ले सकते हैं. ये अराउंड 100 या 150 के अराउंड ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे. और उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आजकल चल रहे हैं और जो हर सूट के साथ जा रहे हैं वो हैं आपकी पॉम्पॉम इयररिंग्स. मुझे पॉम्पॉम इयररिंग्स बहुत पसंद है. जैसे ये वाला जो इयररिंग है ये मेरा पॉम्पॉम इयररिंग है. ये मैं किसी के हल्दी फंक्शन में या
किसी का मेहंदी फंक्शन होता है तो उसमें पहन सकती हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई भी कलर का ड्रेस हो और आप इसको पहने तो वो ये हर आपके कलर के ड्रेस के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे कलर्स हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, इसमें पिंक है, रेड है, ब्लू है, येलो है, तो ये आराम से हर ड्रेस के साथ चला जाता है। और ये रेड कलर है तो ये भी आराम से आपको अगर कोई भी अगर आपको मिक्स एंड मैच का कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप कुछ भी पहन के ये वाला रेड ईयरिंग्स पहन सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है वो। ये था पॉम पॉम ईयरिंग्स। और अब मैं आपको कुछ झुमकीज दिखाती हूँ। ये है एक झुमकी का पैटर्न, ये टिपिकल इंडियन वेडिंग में ही आप पहन सकते हो। ये झुमकी अपने आप में इतना ज़्यादा हैवी झुमकी है, ये आप देख रहे हैं टोटल इसमें जो नीचे झुमकी है ये काफ़ी हैवी है। और ये जब आप टिपिकल इंडियन आउटफिट पहनते हैं जैसे लहंगा या साड़ी तो आप इसको पहन सकते हैं, ये बहुत अमेजिंग लगती है। इसके साथ आपको कोई भी नेकलेस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये झुमकी आप अकेले पहन लो तो ये इनफ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आपको देती है, आपको सारे क्राउड से ये अलग थोड़ा सा स्टैंड आउट करती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एक। एंड ये अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और आपको झुमकीस पहनना पसंद है तो ये छोटी छोटी झुमकीस भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास ये है, ये ऑक्सीडाइज झुमकी ही है, ये ऑक्सीडाइज झुमकी है, जैसे मेरे पास ये वाइट और ये है, इसका बहुत ही क्यूट सा पैटर्न इस पर बना हुआ है, आप देख रहे होंगे ये है तो वाइट लेकिन इस पर जो भी डिज़ाइनिंग दे रखी है ग्रीन और रेड से हो रखी है। और ये वाली जो झुमकी हैं ये जो है इनमें नीचे ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, तो ये सब हैं। और एक ये रेशम वर्क की झुमकी जो है आजकल ज़्यादा मार्केट में मिल रही हैं, तो रेशम ही इस पर गोटा लगा हुआ है, ये जो होता है पूरा रेशम से ये रैप होती है। और इसमें इतना सारा कलर है आप देख सकते हैं, और इसके नीचे भी इन्होंने ये कुछ लटकन सी लटकाई हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं देखने में और बहुत अच्छा लुक देती है अगर आप इसको पहनो। और ये हर ड्रेस के साथ आपके जाती हैं, आपके गाउन के साथ जाएगी, जीन्स के साथ जाएगी, सब वेस्टर्न ड्रेस के साथ जाएगी, इंडो वेस्टर्न के साथ जाएगी एंड टिपिकल इंडियन वेडिंग ड्रेसेस के साथ भी इजीली चली जाएगी, तो ये अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये आपको SN में लाजपत नगर में हार्डली 250 के अराउंड मिल जाएगा। एंड अगेन ये है चंदबाली, इसको बोलते हैं चंदबाली इयररिंग्स, तो देख रहे हैं अभी कितना ब्यूटीफुल है ये, कितना ब्यूटीफुल इसका पैटर्न देखिए और इसका वर्क देखिए, मतलब बीच में ग्रीन दे रखा है और उनके चारों तरफ इन्होंने व्हाइट से इसमें डिज़ाइनिंग दे रखी है एंड ये नीचे ब्लू कलर की कटोरी इन्होंने लगाई हुई है, इस पर पूरे पर रेशम से रैप है ये। और ये मेरे अपने स्टोर से लिया है मैंने, ये मेरा वूपलर का स्टोर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा अपना वूपलर स्टोर से मैंने लिया है ये चंदबाली, और ये मेरा ग्रीन और ब्लू कलर का ड्रेस है तो मैं उसके साथ इसको हमेशा पेयर करती हूँ, बहुत अमेजिंग लगता है ये। और भी बहुत सारे कलर के इयररिंग्स हैं वहाँ पर, और ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसमें ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये इसके साथ नहीं पहनना है तो आप ये खाली ऐसे भी पहन सकते हैं, ये देखिए छोटे इयररिंग्स भी अगर आपको पहनना है तो पहन सकते हैं, और अगर आपको बड़ा करके पहनना है तो ऐसे पहन सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगी फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो ये कुछ ईयरिंग्स हैं, ये कुछ इतने ट्रेंडी ईयरिंग्स हैं कि आपके पास होना चाहिए, यू मस्ट हैव, क्योंकि ये वाली ईयरिंग्स आजकल इतने ज़्यादा ट्रेंडी हैं कि अगर आपके पास ये ईयरिंग्स होंगे तो आप कहीं शॉपिंग जाओ या कहीं पर भी आप घूमने जाओ तो ये ईयरिंग्स आप ईजिली पहन सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, तो बहुत अच्छा आपको खुद को लगेगा, भीड़ से थोड़ा सा अलग दिखने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप ये सारे ईयरिंग्स ले सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, कोई आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली आपको 250 या 150 के अराउंड ये ईजिली मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाइए और चेकआउट करिए सारे ईयरिंग्स को, और मैं इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो प्लीज़ चेक इट आउट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।